नमस्कार, मैं हूं संजू नागरवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आगे आगे आने वाले समय में किसानों का क्या निर्णय होगा? चौटाला गांव से सभी किसानों का एक ही निर्णय होगा कि इस गांव में जब तक दिल्ली में धरना चलेगा तो सामूहिक रूप से गांव में भी धरना चलेगा। और गांव का फैसला सबसे पहले ये होगा कि दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह जी जो सरकार में बैठे हैं, आज इन्होंने वोट तो लिए थे भाजपा के खिलाफ और चौधरी देवीलाल जी का वंशज बताकर और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का नाम लेकर वोट लिया, आज वो बीजेपी की गोद में बैठ के जाके जो गांव का जो अधिकांश गांव के जो मौजूद लोग हैं उनका यही फैसला है। अगर वो सरकार से हटकर चौटाला गांव के किसान ही संपूर्ण भारत के किसानों के साथ वो नहीं आए तो सबसे पहले चौटाला गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार होगा। उनको चाय पानी होकर इनका टालेंगे हम, क्योंकि आज संकट की घड़ी में किसान है और वो अपने आप को किसान के नेता खिलाते हैं और चौधरी देवीलाल जी के वो वंशज बताते हैं, उनके कहते हैं हमारी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून दौड़ता है। अगर चौधरी देवीलाल जी का खून दौड़ता है तो चौधरी देवीलाल जी ने तो प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, आज उनके पास छोटी छोटी मिनिस्ट्रियाँ हैं, वो टाइम पास करने के लिए बैठे हैं क्या? आज किसानों के साथ आना चाहिए। अगर वो किसानों के साथ नहीं आए तो हम किसानों के साथ हैं और उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, ये गांव के लोग करेंगे, मैं इनके साथ हूँ पूर्ण रूप से साथ। इस किसान आंदोलन में कौन कौन पार्टियां और कौन कौन व्यापारिक किस तरह का मतलब यहां से जुड़ाव हो रहा है? सारे, कोई एक वर्ग नहीं, सामूहिक, जो इस गांव में रहता है और जो इस गांव के वाटर वर्क्स का पानी पीता है, यहां के मेन सभी मोहल्लों से, कोई जात पात नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, सामूहिक रूप से फैसला होगा। ये इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं और सब आज दुखी हैं, किसान दुखी, सब दुखी, तो इसलिए ये लोगों का है चौटाला गांव का फैसला, जिसका वोटर है जो यहाँ का स्थाई बस ये वो ले रहे हैं फैसला, तो मैं तो इनके साथ हूँ फैसले में। और चौटाला गांव एक त्रिकोणीय मतलब एरिया में आता है जहाँ से राजस्थान और पंजाब जुड़ा होता है, तो वहाँ से भी आपका भी कोई किसानों का मतलब यहाँ पहुँचने पर क्या रुझान मिल रहा है, आप किस तरह से जोड़ रहे हैं उनको? बिल्कुल, अब हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं, किसानों की व्यवस्था करने के लिए, किसानों के हर तरीके से दिल्ली जाने के लिए भी यहाँ का किसान तैयार है और आगामी एक दो दिन में इसकी रूपरेखा बना के सारे किसान चौटाला के दिल्ली जाएंगे। ठीक, हाँ उलानिया जी, आप भी थोड़ा सा किसानों के बारे में। आज जो 8 दिसंबर किसान यूनियन ने जो बंद का आह्वान किया है, चौटाला गांव पूरा राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर सभी किसान साथियों, व्यापारी साथियों ने आज जो मीटिंग ली है, सभी बाज़ार बंद है और इस मीटिंग में जो एक अहम फैसला लिया गया है वो दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह गांव उनसे पूछना चाहता है भी, आप चौटाला गांव का साथ दोगे, आप देवीलाल के पद चिन्हों पर चलोगे या खट्टर के पद चिन्हों पर चलोगे? अगर आपने जल्द ही इस्तीफा नहीं दिया तो पूरा चौटाला सामूहिक तौर पर आपका चौटाला गांव के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाएगा और आगे इससे भी ज़्यादा बड़े फैसले लेने पर गांव को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आज किसानों के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है और आपने चौधरी देवीलाल जी के नाम पर किसानों से वोट मांगे हैं बीजेपी के खिलाफ और आज आप कुर्सी से चिपके बैठे हो, ये चौटाला गांव कतई सहन नहीं करेगा। आपका जवाब चाहे आप प्रेस के माध्यम से दें, चाहे आप किसी चीज़ के माध्यम से दें, चौटाला गांव को एक या दो रोज में भेजे, नहीं तो फिर चौटाला गांव की महापंचायत राजनीति से ऊपर उठकर फैसला लेगी आपके खिलाफ।